एवरीवन, आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं सदर मार्केट, वो रिटेल और होलसेल दोनों है। तो वहाँ जाने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। ये है मेट्रो स्टेशन, आ गया क्या? हम लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं, बाबू एकदम शांत हो चुका है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो गाइज, हम लोग सदर बाज़ार जाने वाले थे, लेकिन हम लोग कैंसिल करके फिर चांदनी चौक चले गए, क्योंकि चांदनी चौक ही पहले पड़ गया। तो हम लोग बोले चलो आज चांदनी चौक ही देख लेते हैं। तो ये सब चांदनी चौक का मार्केट है, यहाँ आप रिटेल भी और होलसेल दोनों ही देख सकते हैं। यहाँ प्रस्थली लहंगा और साड़ी का होलसेल बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। और ये जो लेडी थी ना, बहुत ब्यूटीफुल थी। इतना जल्दी हम बैठने के बाद मतलब कंफर्टेबल हो गई, बाबू को खिलाने लगी, अच्छे से बात करने लगी, बहुत प्यारी थी। चांदनी चौक हम निकल रहे हैं बाहर गेट से। आप चांदनी चौक से जैसे बाहर निकलेंगे ना मेट्रो स्टेशन से, तो आपको सीसगंज गुरुद्वारा आपको दिख जाएगा। ये चांदनी चौक का फेमस गुरुद्वारा है और काफ़ी सुंदर था। हम लोग मार्केट करने के बाद हम लोग गुरुद्वारे में गए थे, आप देख देखिएगा बाद में। एंटी टेंपल इसका कलर कितने दिन रहेगा? एक दिन साल लगातार। हाँ लगातार, पहले पानी लगेगा तो कितने दिन रहेगा? कोई दिक्कत नहीं, लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो और यहाँ ब्राइडल लुक के लिए कलीरे मिल रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे कलीरे थे। दौलत की चाट, सौ समझ में आता है। दौलत की चाट चाट है ये तो, सीडी सीडी। यहाँ दौलत के चाट बोल के ना हम लोगों को ठग लिए, ये बस व्हिप क्रीम था और कुछ नहीं। बस खाने का शौक ही नहीं है। देखो टेस्ट करो, वही है ना, ठग दिया तुमने क्या? जो ये फ्रंट में गाउन देख रहे हैं ना, ये मात्र 3,000 के थे, मतलब ये 5,000 के अंदर सब यहाँ गाउन थे। बाबू एक बार गाउन का दाम, 1,500 का भी गाउन था, मुझे शूट करने नहीं दिया गया, बोला कि यहाँ मतलब आप कैमरा नहीं कर सकते, तो भी थोड़ा सा मैं ली। मतलब यहाँ 5,000 के अंदर सब कुछ थे, मतलब इतना अच्छा अच्छा गाउन था यहाँ। और हम लोग ना कुछ मतलब ऐसे ही मतलब एक्सप्लोर करने गए थे कि होलसेल का क्या दाम है ये। तो आपको कुछ कुछ ना फ्रॉड वाले दुकान वाले लोग भी मिल जाएंगे, रहेंगे रिटेल वाले लेकिन बोलेंगे कि हम लोग होलसेल भी करते हैं, और आपको ना मतलब जल्दी जल्दी बिल करवाएंगे, बोलेंगे जो पसंद आ रहा है निकालो। तो आप ये सब के चक्कर में मत पड़ना, हमारे साथ हो चुका है एक बार, मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ आपको रास्ते में सब बोलेंगे कि होलसेल लहंगा है, होलसेल साड़ी है, ऐसे बोलेंगे। तो आप लोग उन लोगों का चक्कर में मत पड़ना, आप खुद से मतलब देखना, वो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि लोग वो लोग जो होलसेल में करते हैं ना, वो लोग रिटेल एक भी साड़ी नहीं सेल करेंगे। तो वो लोग एक ही बार बोलेंगे कि नहीं हम लोग होलसेल करते हैं, तो उन जो होलसेल करता है उन्हीं के पास जाना, और जो रिटेल करता है वो तो रिटेल करेगा ही। आप देखो मस्त लग रहा है। और आप यहाँ से मतलब होलसेल में भी और रिटेल में ब्लाउज भी ले सकते हैं, एड्रेस में दिखा दी हूँ, आप देख सकते हैं। बोलिएगा कुछ होलसेल प्राइस चाहिए तो 110 120 200 रुपये में आपको डिज़ाइनर मिल जाएंगे ब्लाउज। मैडम का काम हो या ना हो, खाना जरूरी है इसका। अभी छोला कुलचे खा रही है, वो भी मिर्ची के साथ। और ये सब डायमंड के नेकलेस थे, बाहर में लगाए हुए थे, देखिए। देखिए
और आप ये लहंगा जो देख रहे हैं ना, मात्र 4,900 के थे, मतलब 5,000 आप ऑलमोस्ट जानी। और यही आप कहीं और लो तो 10-15 हज़ार के नीचे नहीं देंगे। गाइज ये देखिए, ये एकदम फ्रॉड दुकान था, हमें मतलब एकदम फंसाया जा रहा था, तो भी हम लोग निकल चुके थे इस फ्रॉड जगह से। आप देख, और ये हाँ ब्रोकर के द्वारा हम लोग आए थे, ब्रोकर के चक्कर में तो आप पड़िएगा। मतलब यहाँ ना जो रिटेल दाम में मिलते हैं ना सामान, यहाँ बोल रहे थे होलसेल, तो हमें समझ में आ चुका था। तो हम लोग वहाँ बोले कि मेरा बच्चा भूखा है, हम लोगों को जाने दीजिए। तो बोलते 1,000 रुपये जमा कर दो, ये कर दो। हम आ रहे भैया, आ रहे हैं। बाबू मेरा यहाँ पॉटी कर दिया था, फिर हम लोग इसका साफ सुथरा किए। साफ सुथरा करने के बाद यहाँ से गुरुद्वारा दिख रहा था, फिर हम लोग फिर फुचका खाए। ये मैडम 20 रुपये का 2 खिलाई, क्या इनके फुचके में थे पता भी नहीं चला। फिर हम लोग एक दूसरे मतलब साड़ी दुकान गए, खुद से गए। वहाँ कलेक्शन इतना प्यारा प्यारा था, मैं इनका कार्ड भी दे दूँगी। बहुत कम प्राइस में, मतलब डबल, मतलब 1600 का था तो आप इसको 3,000 में आराम से बेच दोगे, 2,000 का था 4,000 में बेच ही दोगे। ये मात्र 800 का साड़ी था ये, और ग्रीन वाला, ये पिंक वाला शायद 1600 का नहीं 1100 का था, ये ग्रीन वाला भी, ये वाला भी शायद 1200 था, मतलब जो भी था या 2,000 के अंदर था जो भी था। तो आप इसको आराम से आप 4,000 में जो जितना है उसका डबल आप बेच सकते हो। बहुत अच्छा, मस्त है, बहुत अच्छा अच्छा दिखा रहे थे। 1690 आप देखिए, मैं इनका कार्ड दे दूंगी, आपको विजिट करना होगा चांदनी चौक में, आप कर सकते हैं। 1690 अरे गुड़िया क्या कर रही है, 1190 वो भी दिखा देना भैया। सैंपल इधर के सैंपल देना भाई, तू इधर आ जा, ये सैंपल दे। फिर हम लोग गुरुद्वारा गए, आप देखिए पूरा गुरुद्वारा का व्यू, हम लोग लंगर में खाना वाना सब खाए। देखिए मेरा बाबू इतना खुश है, एकदम मस्ती से वो एकदम एंजॉय कर रहा था गुरुद्वारे में। ये चांदनी चौक है, आपको पूरा इलेक्ट्रिक का जितना सामान होता है सब यहाँ मिल जाएंगे, होलसेल के दाम पे भी और रिटेल के भी दाम में। कैसे ये हो रहा है,
फिर हम लोगों का कुछ लेना नहीं था इलेक्ट्रिक का सामान, बस हम आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ शूट कर लिए थे। ये बहुत प्यारा एकदम मस्त था, ये सिनहरी बोलते हैं इसको। तो फिर हम लोग यहीं से विदा लिए, फिर हम लोग लाल किला चले गए, थोड़ा सा लाल किला पहुँच भी नहीं पाओगे आप, आगे वीडियो देखिए। ये जैन लोगों का जैन मंदिर था यहाँ। कौन है जी ये स्टैचू? उनको फोन किया जब आकरे ने, तो वो बोले गुजरात में है, वहाँ जब पहुंचे वो लोग विधायक लेके, मैं बता रहा हूँ कि सत्ता के लिए लोग कुछ भी कर जाएंगे। सत्ता के लिए हो सकता है अभी कांग्रेस बीजेपी में आ जाए और बीजेपी भी ले ले उनको। समझ रहे हो, बढ़ता है ना आपको तनख्वाह मिलती है मीडिया। कोरोना इतना बढ़ गया, सरकार ने इसके बारे में कोई योजना बनाई अभी तक? नहीं बनाई। आप फिर हम लोग गए श्री गौरी शंकर मंदिर, काफी सुंदर था, आप देखिए वीडियो। लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। बाबा बाबा जय ठाकुर जी। शिव रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। बाय बाय गाइस, अब यही वीडियो एंड करते हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।